गूगल में सर्च किया स्टॉक टू, तो ये सब आ गया, बाय नाउ टुडे फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर शॉर्ट टर्म, फ्रॉम टुमारो फॉर सेल टुडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं, सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक कल के लिए खरीदा जाए। तो मेरे मानना ये है कि आप अगर कोई भी स्टॉक्स ले रहे हो, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो टेक्निकली भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग आ जाएगा। तो टेक्निकल्स आगे इंडिकेट करते हैं, लेकिन आप पहले फंडामेंटल रिसर्च कर लो, वैल्यूएशन देख लो, फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख लो, सब सही है, मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा। फाइनेंशियल खराब है तो मार्केट गिरेगा, या फिर स्टेबल भी रहने पर भी ये सारे शेयर्स गिर जाएंगे। तो हर सेक्टर में आपको अच्छे शेयर और खराब शेयर्स तो पता होना चाहिए। अच्छे मतलब फंडामेंटल्स अच्छे, और खराब मतलब खराब फंडामेंटल्स। तो चलिए मैं आज कुछ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जो आने वाले 2-3 दिन में, या फिर हो सकता है कल भी, आपको अच्छा रिटर्न्स दे सके। तो पहला मेरा स्टॉक है SHK, SH खेलकर है। ये क्या करते हैं, परफ्यूम में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब ये सप्लाई करते हैं। 2017 में ये स्टॉक्स मैंने चुना था, बहुत गिर गया था, लेकिन वापस आ रहा है। तकरीबन 1200 या 1500 करोड़ में ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक्चुअली इसका फेयर वैल्यू बताऊं, कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू तकरीबन 3500 करोड़ का है। मतलब यहाँ से डबल होने का चांसेस है। शेयर प्राइस अगर डबल होता है तो शेयर आपका फेयर वैल्यू तक पहुँचेगा, ओवर वैल्यू बनेगा कितना आप वही सोच लीजिए। तो अभी ये क्या हुआ है, शेयर्स में मैं वीकली चार्ट में डाला हूँ, फॉलिंग वेज बन रहा था, ब्रेकआउट हो चुका है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है ऑलरेडी। यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को टच किया है, सॉरी 100 मूविंग एवरेज को टच किया है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। अगर यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम दिखा दूँ, वॉल्यूम क्या है, सॉरी वॉल्यूम अगर देखें तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम भी थोड़ा बना होगा। सुमाओ वॉल्यूम नहीं बना है लेकिन बन जाएगा। इसमें क्या है, वॉल्यूम बनने के बाद खरीदोगे तो इतने अट्रैक्टिव प्राइस में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बाय रिकमेंडेशन करते हैं। वीकली चार्ट देख रहा हूँ तो ये पोजिशनल है, 1 महीने या 1.5 महीने तक आप रख सकते हो। अगर कल परसों भी अच्छा पैसा दे देता है तो निकल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल्स भी सही है। तो यहाँ पे अगर मैं टारगेट्स के बारे में बात करूँ तो सिंपल है, आपका जो पहला टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। दूसरा जो टारगेट है मैं फिबोनाची के हिसाब से ले रहा हूँ, 163, और जाके 200 तक आप ये स्टॉक्स रख सकते हो बाई के साइड में। उसी तरह आप अगर स्टॉप लॉस करना चाहो, स्टॉक को स्टॉप लॉस करना चाहो तो कहाँ पे स्टॉप लॉस करोगे, सिंपली लो में। नहीं तो रिसेंटली लो कहाँ पे बनाया है, तो मैं यहाँ पे मेजर स्टॉप लॉस आपको दिखाऊंगा 135 पे, 141-48 में पैसा ट्रेड हो रहा है। तकरीबन आपको 13 रुपये का स्टॉप लॉस है, और आपको टारगेट मैं दे रहा हूँ तकरीबन यहाँ से 14 रुपये, और दूसरा टारगेट 52 रुपये का। 13 रुपये का स्टॉप लॉस, 15 रुपये का टारगेट और 52 रुपये का टारगेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फंडामेंटली अच्छा है कंपनी, और अभी ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक पैरामीटर्स बना दे रहा हूँ। यहाँ पे है स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड देख लेते हैं, और ये होता है इसका टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 34% का आपको रिटर्न्स मिल सकता है 10% के लॉस के हिसाब से, मैंने 1:3.5 हम सोच सकते हैं। वेरी गुड, ये हो गया पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी हम आते हैं 3i इन्फोटेक, आईटी शेयर। आईटी शेयर हम कब खरीदते हैं, जब मार्केट डाउन जाता है। मार्केट डाउन जाने पर आईटी फार्मा एफएमसीजी प्रीमियम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा सा उछाल देखने के लिए मिला है, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ब्रेकआउट तो हो चुका है तकरीबन 5 जुलाई में। अभी क्या हो रहा है, अभी आप अगर देखोगे तो ऑलरेडी साइड वाइज मार्केट में ट्रेड हो रहा था और ब्रेकआउट दिया है। मैं यहाँ पे बाय रेकमेंड करूंगा 46 के ऊपर अगर चलता है प्राइस, कल अगर पॉजिटिव में खुलता है तो बाय करना ना भूलिए। इसको पोजिशनल एज वेल एज ट्रेडिंग के लिए आप बाय कर सकते हो। इसका टारगेट्स हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट। टारगेट्स में जो दे रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं नोट कर लीजिए पेन एंड पेपर में, मुझे बताइए मैं अगर गलत हो रहा हूँ कहीं पे, अगर कुछ होमवर्क करना है। अगर मैं सही हो रहा हूँ तो प्लीज़ एंकरेज कीजिए।
ठीक है, ऑलरेडी मैंने होमवर्क किया हुआ है। पहला टारगेट मैं जो लूँगा वो 5% में, यहाँ पे 55 में 10 रुपये ऊपर। दूसरा टारगेट जो मैं दूंगा वो ये हाई पे 72 पे। ऑलरेडी प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे रिवर्स होने का बहुत ही चांसेस है। तो सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस भी रखेंगे, एक स्टॉप लॉस यहाँ के लो पे रख लेंगे 41 पर। 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे भी मैं आपको स्केल डाल के दिखा दे रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपका सॉरी, ये आपका हो गया बाइंग एरिया, सॉरी बाइंग एरिया, ये आपका हो गया स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये हो गया आपका टारगेट। ठीक है, आप डिसाइड कर लो आपको कितना हो रहा है। 10% का स्टॉप लॉस है, 57% का टारगेट है, ऑलमोस्ट 50% का टारगेट है। यहाँ पे क्या करना है, पोजिशनल स्टॉक खरीद के बैठना है। देखिए मार्केट में डायरेक्शन पता चल जाता है, वॉलेटिलिटी पता चल जाता है, कौन सा स्टॉक बढ़ता है बढ़ेगा वो पता चलता है। लोग लॉस कहाँ पे करते हैं, लॉस करते हैं पोजिशन साइजिंग में। मैंने अभी कहा 72 रुपये तक चला जाएगा, डाल दो 1-5 लाख रुपए, डूब जाओगे। स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है, डूब जाओगे, ऐसा मत करना। पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, अच्छे अच्छे स्टॉक छोटे छोटे हिस्सों में खरीदो। हो सकता है ये टारगेट अचीव होने के बाद मैं टारगेट और भी बढ़ा दूं, ठीक है, तो आज ही मैं सारा खाना खा के नहीं सोने वाला, कल भी कुछ खाऊंगा, परसों कुछ खाऊंगा, हो सकता है दूसरे साल मैं कहीं और देश में और कुछ अच्छा खाना खाऊंगा, ऐसा सोचिए। ठीक है, एक दिन में खाने का मत सोचिए। मुर्गी का कहानी सुना था, सोने का अंडे वाला, राइट है। चलिए अभी तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। तो ये दोनों स्टॉक तो मैंने बता दिया, थोड़ा फंडामेंटली भी अच्छा है और आईटी शेयर से, आईटी शेयर तो बढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे कौन से स्टॉक के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम बात करेंगे एनआरबी बेरिंग्स। किसको पता अगर नहीं है, ये ऑटो एंसिलरी, ऑटो एंसिलरी में लास्ट 2 हफ्तों में जितना भी अप ट्रेंड आया है आप लोगों ने देखा होगा, ये इस वजह से आया है क्योंकि ऑटो सेल्स में बहुत ही जोरों से तेजी आया है। तो ऑटो सेल्स में अगर तेजी आता है आने वाले 1-2 साल में, इन सब का भी सेल्स बढ़ेगा क्योंकि ऑटो एंसिलरी तो लगेगा खराब होने पर, सही है। तो अभी ऑटो एंसिलरी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए लोग, तो एनआरबी बेरिंग्स बहुत ही अच्छा शेयर है। 110 में मैंने 2017 में खरीदा था, बहुत अच्छे मुनाफे में बेचा था, अभी भी उसी रेंज में मिल रहा है, अर्निंग्स बढ़ा है, वैल्यूएशन वाइज भी अंडर वैल्यू है, राज की बात बता रहा हूँ। अभी देखते हैं इसका टारगेट क्या ले सकते हैं। कुछ नहीं, सिंपली आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा 137 पे, 11 रुपये का स्टॉप लॉस माइंड में बैठा दीजिए। और टारगेट मैं पहले टारगेट लगा देता हूँ, उसके बाद आपको फिबोनाची बताऊँगा। तो मेरे हिसाब से ये एक टारगेट है और मेरे हिसाब से ये एक टारगेट है। तो अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से देख लेंगे कहाँ पे डालेंगे। ये डाउन ट्रेंड अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो मैंने ये डाउन ट्रेंड लिया। तो मैंने तकरीबन मैंने डाला था 157 में, यहाँ पे टारगेट आ रहा है आपका 160 का, 3 रुपये का डिफरेंस। उसी तरह 172 में मैंने टारगेट डाला था, यहाँ पे आ रहा है 174 का। ऑलमोस्ट ट्रेंड चार्ट आप देखोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे टारगेट लेना है और कहाँ पे सपोर्ट लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉप लॉस भी दे दे रहा हूँ 200 मूविंग एवरेज पे। यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे तो 2200 और 30 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दे रहे हैं, तो अच्छा स्टॉक है। अभी यहाँ पे मैं हम देखेंगे रिटर्न एंड रिस्क एंड रिटर्न रिवर्ड्स वगैरह। तो यहाँ पे 148 में खरीदेंगे प्राइस और स्टॉप लॉस लगाएंगे 137 पे। टारगेट हमारा होगा ये तकरीबन 174 पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉप लॉस आपका होता है 7% का और टारगेट आपको मिल रहा है कितना, टारगेट आपको मिल रहा है 17% का। और अगर आप वीकली कैंडल चार्ट देखें तो ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में है और ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। अगर आप में पेशेंस है तो ये स्टॉक पकड़ के बैठे, ये स्टॉक का मैं बता दे रहा हूँ कहाँ तक जा सकता है ये वीडियो, जब तक प्राइस जाए हो सकता है आप मुझे ढूंढो या ना ढूंढो। यहाँ पे 173 का टारगेट है, 173 रुपये, कहाँ से, नेकलाइन से, नेकलाइन से 173, 173 ऊपर लगा देता हूँ, 173, ओके। तो
तो ये हो गया आपका टारगेट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में देखें ये टारगेट में कोई रेंज मिलता है क्या? ज़रूर मिलेगा सर, सर आप लोग अगर देखोगे तो ज़रूर मिलेगा। तो मेरा टारगेट है, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हो 1.5-2 साल के लिए, 345 का है टारगेट। मिल गया आपको इन्वेस्टमेंट आइडिया, ट्रेडिंग आइडिया कल के लिए। ये तीनों स्टॉक में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, कल इंट्राडे कर सकते हो। इसके साथ ही आप अगर पोजिशनल रख सकते हो तो ये तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं। आईटी जो 3i इन्फोटेक है उसको मैं थोड़ा अवॉइड करने के लिए कहूँगा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, वो साइक्लिक है, हो सकता है आने वाले समय में आईटी के ऊपर अप एंड डाउन आ पाए। लेकिन अगर एसएच खेलकर और एनआरबी बेरिंग्स बता दो, स्मॉल कैप है समझता हूँ, डाइवर्सीफाई पोर्टफोलियो है, अपने पोर्टफोलियो का 5% अगर इसमें डाल देते हो तो अच्छा पैसा बनेगा। बस इसका मतलब ये नहीं कि अपना पोर्टफोलियो इसी में समा दो। आशा करता हूँ मैं जो कुछ भी आपको बताया समझ में आया होगा। अगर मेरा कोई टर्म या फिर मेरा कोई चीज़ डिसिप्लिन के बारे में जो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में क्लियरली बताइए, सर ये जो बताए इसका मतलब क्या है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियरली आप समझें, जितना क्लियरली समझेंगे उतना अच्छा पैसा बनेगा, और जितना अच्छा पैसा बनेगा आप मुझे याद करोगे। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड।